अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अब्दुल वहाब बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। होप एवरी वन ऑफ़ यू इज़ डूइंग वेल। आज हम ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिससे दुनिया की एग्जिस्टेंस खतरे में है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज ये कि पूरी दुनिया का क्लाइमेट सिस्टम चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और जिससे जिसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग को आगे मैं अगर डिफ़ाइन करूँ, ग्लोबल वार्मिंग ये कि दुनिया का ओवरऑल टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से इंक्रीज़ कर रहा है मुसलसल, और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसके दो काज हो सकते हैं, एक नेचुरल काज और एक ह्यूमन मैन मेड काज। लेकिन 95% चांस है कि इसके ग्लोबल वार्मिंग की वजह ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, और 5% के ये कि नेचुरल काज ये है कि सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, और उसके अलावा अर्थ ऑर्बिट की रोटेशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या नाम है दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन 95% चांसेस ये हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जिसमें सबसे टॉप में ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये कि ग्रीन हाउस गैसेस जब अर्थ के टेम्परेचर में अर्थ के एटमोसफेयर में जाती हैं, तो सन से रेज आने वाली उस एटमोसफेयर में ट्रैप्ड हो जाती हैं, जिस ट्रैप की वजह से दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाती है, वाटर वेपर्स आ जाती हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाती हैं, CFCs आ जाती हैं, तो जिनकी वजह से ये एटमोसफेयर में जाती हैं और हीट ट्रैप्ड हो जाती है। तो जितनी ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में होंगी और उतनी ही ज़्यादा हीट आपकी के नाम ट्रैप्ड होगी, और जिससे पूरी दुनिया का टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब उसकी अगर मैं बात करूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस की, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से देखें 1750 से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस पे 30% इंक्रीज़ आया है, जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 30% इंक्रीज़ किया गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। और उसके आगे और वजूहात की मैं बताऊं आपको, तो जिनमें ओवर पॉपुलेशन आ जाती है, ओवर पॉपुलेशन को भी अगर हम देखें तो 1950 से दुनिया की आबादी ट्रिपल्ड हो चुकी है, और उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन है, मिथेन जितने हम कंज्यूम प्रोडक्ट्स करते हैं एनिमल से, उतनी ज़्यादा मिथेन गैसेस ज़्यादा होती हैं। सो ये डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, और इसके इफ़ेक्ट्स हम इसको देख सकते हैं कि इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आ रहा है कि पर ईयर 3.6 मिलीमीटर सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, आइस शीट्स के मेल्ट होने से, और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीम वेदर हमें देखने को मिल रहा है, कहीं पे ड्राउट्स हो रहा है, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, जिसके हम रिसेंटली अगर हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हीट वेव्स की वजह से बुश फायर्स हुई है, जिससे बहुत से एनिमल्स प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स एंडेंजर्ड की तरफ जा चुके हैं, और उससे पहले अमेज़न की हम फायर्स भी देख सकते हैं, जो इसके इफ़ेक्ट्स हमें अब दुनिया पे नज़र आने शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान भी उन टॉप कंट्रीज़ में आता है जो क्लाइमेट चेंज से बहुत बहुत अफेक्ट हो रही हैं, जिस तरह इधर भी हम देखते हैं कि मॉनसून्स अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, बहुत तेज़ी से क्या नाम है टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, मौसम ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, कहीं पे हमें ड्रॉट्स देखने मिल रहे हैं, कहीं पे हमें फ्लड्स देखने मिल रहे हैं। सो हम अब क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। और उसके अलावा इफेक्ट्स पे ये आता है कि आपकी फ़ूड शॉर्टेज हो रही है, आपको मुश्किल आ रही है कि फ़ूड की प्रोडक्शन भी करने में, और जिसमें डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। WHO ने वार्न किया कि दुनिया की मिलियंस ऑफ लाइफ थ्रेट में है, जिसकी वजह इस क्लाइमेट चेंज से क्या नाम है आपके मलेरिया वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत हो रही हैं, और हम इस पे, और साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि एट द एंड ऑफ सेंचुरी अगर ये इसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा, तो जितनी भी एंटायर आइलैंड नेशंस है पैसिफिक में, और जितनी भी कोस्टल सिटीज़ हैं सच एज मियामी, ओसाका, वो डिसअपियर हो जाएंगी अगर इसी तरह होता रहा। आपका दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री आइस एज से ज़्यादा है, मतलब अब की दुनिया वार्म है बनिस्बत जबकि ये हम 800,000 पहले की दुनिया का टेम्परेचर रिकॉर्ड करें। सो
इसके अलावा अगर ये कॉज और इफेक्ट्स हो गए जिसके मतलब के इफेक्ट्स हमें नज़र भी आ रहे हैं, हम अगर सॉल्यूशंस की तरफ जाएं कि हमें क्या करना चाहिए जिसके जिससे हम इन सारे क्या नाम है क्लाइमेट चेंज को मुकाबला कर सकें, कन्फ्रंट कर सकते हैं, जिसमें हमें रिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, और जैसे कि हमारे ओवर प्राइम मिनिस्टर ने बिलियन ट्रीज नामी तो लॉन्च की हुई है, लेकिन हमें उसको मज़ीद और एक्सटेंड करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म में, और एज ए इंडिविजुअल भी हर पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली हर इंडिविजुअल्स को प्लांटेशन की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। और उसके अलावा हमें अपनी अप्रोच बिजनेस की पॉलिटिक्स की चेंज करनी होगी। अब हमें ऐसे एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमें यूज़ करना चाहिए बनिस्बत के कोल पावर प्लांट जिससे हम पावर जनरेट कर रहे हैं। सो उसके अलावा हम आगे बात करें, हमें डैम्स मोर बिल्ड करने चाहिए, हमें वेस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा, और हमें इसकी तरफ ना प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी होगी, ये ना कि हमें जब डिज़ास्टर हैपन हो जाता है तब हम उसके ऊपर एक्शन लें, बनिस्बत हमें उससे पहले ही अपनी अप्रोच अपनानी होगी जिसकी जिससे हम काफ़ी लाइव्स काफ़ी हम टाइम हम काफ़ी मनीस को बचा सकते हैं। सो हमें इसके ऊपर प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी है और अपनी डेवलपमेंट और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। जब हम इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे तभी इसके ऊपर कोई एक्शन और कोई हुकूमत इसको हर सीरियस लेगी, और हमें अवेयरनेस पूरी अपने इर्द गिर्द इसको हमने फैलानी है कि इस ये बहुत एक दुनिया खतरे में है। अगर हमें इसको अभी टेम्परेचर को नहीं रोका तो हर के नाम में बहुत से इफ़ेक्ट्स इसके आएंगे, जिससे माइग्रेशंस होंगी, एनिमल्स की माइग्रेशंस होंगी, और जिससे आपको बहुत कहत आ सकता है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट की के नाम में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये और ना कि स्पेसिफिकली सिर्फ पाकिस्तान की, ये ग्लोबली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें कलेक्टिवली इसके ऊपर एक्शन लेने होंगे। अगर हम इसकी रिसेंटली बात करें तो सो कॉल्ड एग्रीमेंट पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2016 में, जिस पे तमाम दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स ने अपने टारगेट डिसाइड किए कि कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी एमिशंस की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टॉप ऑफ द पोल्यूटेंट्स में यूएस आता है उसने आफ्टर 3 ईयर्स इससे विड्रॉ कर लिया है कि उनको इकोनॉमिक बैडली अफेक्ट कर रही है, और उसमें भी टॉप ऑफ द पोल्यूटेंट्स जो 30% दुनिया की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पे चाइना है, और चाइना ने भी अक्यूज़ कर लिया है कि हम अपने टारगेट्स को क्या नाम है अचीव नहीं कर सकते। सो हमें कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको समझना चाहिए, ये नहीं कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज इससे जल्दी अफेक्ट कर रही हैं, इसने पूरी दुनिया को अफेक्ट करना है। सो हम सबको इसको प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए, और एज ए इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी है, और इसको हमें अपने कॉमन ग्रुप टॉक्स पे इस इशू इस थ्रेट का डिस्कस करना है, ताकि ये पूरे पॉलिटिक्स तक जा सके और इस एजेंडे के ऊपर बात की जा सके। सो आज हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की है, जो जिसमें कॉज की बात की है, इफेक्ट्स की बात की है, और सॉल्यूशंस की बात की है। सो मैं होप करता हूँ कि आप सब भी क्या नाम है अपना रोल ज़रूर अदा करेंगे प्लांटेशन में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।